मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपीज़ को देखने के लिए, और इस छोटी सी बेल को प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चीज़ सैंडविच की रेसिपी, और ये हम तवे भी बनाएंगे, और इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सैंडविच में मैं कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी, जैसे बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। आप चाहें तो स्वीट कॉर्न का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सैंडविच ब्रेड लिए हुए हैं, आप इस सैंडविच के लिए कोई भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ब्रेड की स्लाइस के ऊपर बटर लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें ब्रेड की स्लाइस के ऊपर बटर लगाना है। डायरेक्ट तवे पे अगर हम बटर डालते हैं तो वो अच्छे से सिकती नहीं है, तो इसलिए हम पहले से ही ब्रेड के ऊपर बटर लगा देंगे। तो जो स्लाइस हमें तवे के ऊपर चाहिए उसके ऊपर हमें बटर लगाना है। तो हमने सारे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर बटर लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेयोनीज। तो ये वेज मेयोनीज का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेयोनीज भी कई फ्लेवर्स में आती हैं, आपके पास जो है आप वो मेयोनीज लगा सकते हैं। ये जो मेयोनीज का मैं यूज़ कर रही हूँ ये गार्लिक फ्लेवर का है, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है। अब मैं इसके ऊपर वेजिटेबल्स डालूंगी, तो बारीक कटे हुए थोड़े टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम रख देते हैं। नमक मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बटर में भी नमक है और मेयोनीज में भी नमक है, तो इसलिए हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लेन मेयोनीज का और प्लेन बटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप नमक डालें हल्का सा। अब इसके ऊपर हम चीज़ ग्रेट कर देंगे, तो जितना चीज़ आपको पसंद है उतना चीज़ आप इसके ऊपर डाल दीजिए। तो अच्छे से चीज़ ग्रेट करके हम ब्रेड स्लाइस के ऊपर डाल देंगे। को और टेस्टी बनाने के लिए हम थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे, जैसे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। तो जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ब्रेड की स्लाइस डाल देंगे। तो ये बटर लगा हुआ स्लाइस ऊपर रखना है ताकि ये अच्छे से हम दोनों तरफ से सेक सके। तो अभी हम तवे पे इसको सेक लेते हैं। तवा या पैन ले लीजिए, उसको पहले अच्छे से गर्म करना है, फिर हम ये ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हम इसे ढककर सेक लेते हैं, ताकि जो हमारी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको चलिए ढक देते हैं। मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे सेक लेंगे और फिर 2 मिनट दूसरी साइड से सेक लेंगे। 2 मिनट बाद टर्न कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये सिक जाए। और ये देखिए इस पर कलर कितना अच्छा आया है, और बहुत ही क्रिस्पी ये सैंडविच बनी है। तो इसे ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे दूसरी तरफ से और सेक लेते हैं। 2 मिनट और हो चुके हैं और ये दोनों तरफ से हमारी सैंडविच अच्छे से सिक चुकी है। और अभी हम इसको पैन से चलिए बाहर निकाल लेते हैं और इसे कट करते हैं। तो ये दोनों तरफ से हमने इसको सेक लिया है, काफ़ी अच्छा इस पर कलर भी आया है आप देख सकते हैं, और काफ़ी क्रिस्पी भी है। और चलिए इसे कट कर लेते हैं। और ये चीज़ देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। तो बिना माइक्रोवेव के आप ये चीज़ सैंडविच बना सकते हैं तवे पर, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो ये बहुत ही टेस्टी सैंडविच हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये हमारी चीज़ सैंडविच बिल्कुल रेडी है। इसे बनाने में सिर्फ हमें 5 मिनट लगे हैं, और कोई माइक्रोवेव की आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आराम से तवे में या पैन में आप इसे बनाएं, सुबह के ब्रेकफास्ट में आप इसे बना सकते हैं, या फिर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप ये पैक करके दे सकते हैं। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए भी आप ये चीज़ सैंडविच फटाफट बना सकते हैं। तो ये क्विक रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।